अगस्त को सुबह 10 बजे, 21 अगस्त को सुबह 10 बजे चंद्रमा है 24 डिग्री का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि वक्री है 23 डिग्री का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में, सूर्य सिंह में है मघा के दूसरे चरण में, चंद्रमा कुंभ में है 24 डिग्री का पूर्वा भाद्रपद के दूसरे चरण में, मंगल वृष में है मृगशिरा में दूसरे चरण में 26 डिग्री का, बुध वक्री है अस्त है 0 डिग्री का है मघा में, वक्री कर्क में आने वाला है, गुरु 23 डिग्री का है मृगशिरा में और शुक्र सिंह में है पूर्वा फाल्गुनी के चौथे चरण में, और राहु है उत्तरा भाद्रपद में मीन राशि के चौथे चरण में, केतु है हस्त में। तो चंद्रमा जो शनि को ओवरटेक कर रहा है ना, वो कर रहा है 21 तारीख सुबह 10 बजे। तो कुंभ राशि यह है बैंथु फ्रेंड बैंथु सोसाइटी कम्पलीशन डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग बैंथु एल्डर्स। 10वां घर होता है बाप का, 11वां घर हो गया बाप की वेल्थ, बड़े भाई की वेल्थ, 11वां घर है बड़ा भाई। तो इस धरती के लोगों को जो बड़े भाई से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, उम्र में बड़े लोगों से लाभ होगा। मिथुन राशि है जूनियर, कुंभ राशि है सीनियर, बुध है जूनियर, शनि है सीनियर, शनि है अनुभवी तजुर्बे वाला आदमी। कुंभ राशि के देवता हैं वरुण, ओम श्री वरुण देवाय नमः। अगर किसी ने करोड़पति अरबपति खरबपति बनना है तो ओम श्री वरुण देवाय नमः के जाप करे। कुंभ राशि में जो है राहु की राशि है और राहु के श्री ओम श्री वरुण देवाय नमः 108 कर ले तो कमाई चालू हो जाएगी। जिसकी कमाई पिछले 10-20-30 साल से बंद है, प्रॉफिट नहीं आ रहे, ओम श्री वरुण देवाय नमः के जाप कर ले, ओम ब्रह्मणे नमः, गाड़ी चल पड़ेगी। कुंभ राशि प्रसन्नम, वृष राशि प्रसन्नम। तो भगवान सूर्य सिंह में है, शनि आमने सामने है, शनि वक्री है, तो इसमें कुल मिला के सिचुएशन जो है 21 अगस्त जो है ठीक है, 21 अगस्त बुधवार जो है ठीक मानी जाएगी। और इसके बाद चंद्र राहु का संबंध बनेगा टेक्निकली। तो अभी ये जो चंद्र शुक्र का संबंध है, ये जो पेमेंटें भी कराता है, लंबेरी भी कराता है, कोई लेडीज़ फीमेल फीमेल से रिलेटेड कोई, वो 21 अगस्त को करा दे, 22 अगस्त को करा दे। सूर्य केंद्र सरकार, भारत सरकार, अमेरिका सरकार, लंदन सरकार, कनाडा सरकार, और चंद्रमा है राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, बंबई सरकार, कश्मीर सरकार। तो चंद्रमा है राज्य सरकार, बुध है समझ लो वित्त मंत्री, मंगल है डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, और शनि है उद्योग मंत्री, शुक्र है कपड़ा मंत्री, केतु है विदेश मंत्री, राहु है पर्यावरण मंत्री। तो सूर्य की पूजा करोगे तो सरकारी गाड़ियों में घूमोगे, सूर्य देगा केंद्र सरकार की कारें, चंद्रमा देगा राज्य सरकार की कारें, शनि देगा उद्योगपतियों की कारें, बुध देगा पोस्ट एंड टेलीग्राफ की गाड़ियां, ब्लू डार्ट की गाड़ियां, शुक्र देगा आपको मैकडोनल्ड की गाड़ी, केएफसी की गाड़ी, फिल्म मेकर्स की गाड़ी, ओटी ओवी ऑन वैन, जो कलाकार योग नहीं करते कपड़े कपड़े ओवी वैन, शुक्र देगा वो। केतु देगा एम्बेसी की गाड़ियां, ब्रिटिश एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी। मंगल देगा मिलिट्री के ट्रक, मंगल की गाड़ियां। गुरु देगा धर्म स्थानों की गाड़ियां, और जो राहु देगा वो है पर्यावरण मंत्रालय की कारें, घोड़ा गाड़ी घर। तो इसमें चंद्र शनि जो है 21 अगस्त में धरती के लोगों की पेमेंटें आ सकती हैं, भाई से पैसे मिल जाएं, बाप से पैसे मिल जाएं, चाचे से पैसे मिल जाएं। आई थिंक बुध है छोटे बहन भाई, बुध है बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी, शनि है चाचा बड़ा भाई। अब इसमें चंद्र राहु का योग बन गया 22 अगस्त को, तो ये पेमेंट है सेल टैक्स की पेमेंट, इनकम टैक्स की पेमेंट, GST की पेमेंट, वकील की पेमेंट, और हाउस टैक्स, सेल टैक्स, बिजली का बिल, बिजली का बिल, किराने के खर्चे। मीन राशि जो है खर्चे की है, तो राहु कर्क राशि को देख रहा है, कर्क राशि होती है मन की और घर की माहौल की। तो जो मन खराब है इस धरती के लोगों का, इस धरती के 800 करोड़ लोगों का जो मन खराब है, मन को चिंता है, कर्क राशि है इंस्टॉलमेंट ऑफ व्हीकल, गाड़ी किस्तें जानी है, ड्राइवर की सैलरी, कार का पेट्रोल, व्हीकल का पेट्रोल, ट्रक का पेट्रोल, बस का पेट्रोल,
कर्क राशि है, कार का पेट्रोल, घर का पेट्रोल, माँ की गाड़ी का पेट्रोल, माँ की गाड़ी की किस्त, बाप की गाड़ी की किस्त, माँ के रिश्तेदारों की गाड़ी की किस्त। कर्क राशि को जो राहु देख रहा है ना, वो किस्तों की चिंता देता है। माँ की गाड़ी किस्त देनी है, गाड़ी की किस्त देनी है, ड्राइवर की सैलरी देनी है, मेंटेनेंस करानी है, माँ की गाड़ी ठीक करानी है, प्रॉपर्टी ठीक करानी है। कर्क राशि है, घर गाड़ी और बहुत सफ़ेदी करानी है, राहु है सफ़ेदी वाला। तो कर्क राशि को जो राहु देख रहा है तकरीबन मई 2025 तक, तो ये ना घर का माहौल ख़राब करता है, मूड ख़राब करता है, खर्चे को लेके। राहु है कुटुंब, राहु है ससुराल, कुटुंब के भी खर्चे हैं, ससुराल के भी खर्चे हैं। कुटुंब वालों के भी रेगुलर खर्चे होते हैं ना, दाल रोटी के खर्चे, ग्रोसरी के खर्चे, बिजली के बिल के खर्चे, और घर की फ्लैट की किस्त, प्रॉपर्टी की किस्तें, किस्तें किस्तें लेके जो है राहु मई तक तंग करेगा। मई में शनि आ रहा है, अगले 30 महीने शनि तंग करेगा। तंग क्या करेगा, चिंता रहेगी। अभी चिंता ज़्यादा है क्योंकि कर्क राशि को जो राहु देख रहा है ना, तो मन में हर टाइम टेंशन रहती है। 5 करोड़ का लोन है, 50 करोड़ का लोन है, 5000 करोड़ का लोन है, हर महीने किस्त आनी होती है, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, कार का, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, नौकरों की तनख्वाह है, ड्राइवरों की सैलरी है, गाड़ी का पेट्रोल है, ट्रक का पेट्रोल है, कार का पेट्रोल है, कार की किस्त है। तो कर्क राशि है घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन, जायदाद, और मीन राशि है खर्चा। तो खर्चे को लेके ना घर का माहौल ख़राब है। अब जो आप किसी को समझा तो सकते नहीं भी, कार अगर चलेगी तो 15-20 हज़ार रुपया हर महीने मेंटेनेंस का लगेगा, ट्रक चलेगा, बस चलेगा, एवी वैन चलेगी, घर का भी 10-20-50 हज़ार, 1-2 लाख का खर्चा है ही है, सैलरी है, नौकरों का खर्चा ये है। तो राहु जो है ना अगले करीब मई 2025 तक जो है ना मूड ख़राब कर देता है खर्चों के चक्कर में। बुध है बहन बुआ बेटी मासी साली, या किस्तें, या 5 करोड़ की कमेटी उठा ली, उसकी किस्त जानी है, बैंक से 5 करोड़ लिया था, 5 लाख 10 लाख 50 लाख जाना है, 5 करोड़ जाना है। तो राहु की वजह से ना थोड़ी सी गाड़ियों को लेके, गाड़ी की किस्तों की चिंता, घर रिपेयर की चिंता, घर के मेंटेनेंस की चिंता, घर गाड़ी फार्म हाउस ज़मीन जायदाद की मेंटेनेंस की चिंता, व्हीकल मेंटेनेंस की चिंता, ये जो है ना 22 अगस्त को रहेगी, पेमेंट शेमेंट करनी पड़ेगी। 22 को जो है ना, 23 को आई थिंक, 23 अगस्त को ना चंद्रमा है 24 डिग्री का, राहु है 14, राहु रेट्रोग्रेड है मीन में 14 डिग्री का, उत्तरा भाद्रपद के चौथे नक्षत्र में, केतु है हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में दूसरे चरण में। तो चंद्रमा है 24 और राहु है 14, इसका मतलब समझ लो राहु जो है 12, चंद्रमा जो है 12 अगस्त को ही राहु से आगे निकल जाएगा। तो टेक्निकली उम्मीद करो 22 अगस्त 23 अगस्त के बाद जो टेंशन है ना, माँ की गाड़ी किस्त देनी है, ड्राइवर की सैलरी देनी है, ड्राइवरों की सैलरी, गाड़ियों की किस्तें, वो टेंशन ना 12 अगस्त 13 अगस्त में जो है ख़त्म हो जाएगी। घर का माहौल जो है ठीक हो जाएगा। भी किसी की भी किस्त देनी है, भाई की गाड़ी किस्त है, मामे की गाड़ी किस्त है, बहन की गाड़ी किस्त है, बहू की गाड़ी किस्त है, बहू की ड्राइवर की सैलरी है, किसी की भी ड्राइवर की सैलरी है, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार की ड्राइवर की सैलरी है, वो है उसकी चिंता तो रहती है ना। वो 22-23 अगस्त को ठीक हो जाएगा, चंद्रमा जैसी राहु को ओवरटेक करेगा। इधर केतु आ गया मेष में 24 अगस्त को, तो 24 अगस्त कुल मिला के ठीक है, मंगल भी इधर बैठा है। तो इस धरती पे जो भी डीलें होनी है ना, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, अमेरिकन रॉयल फैमिली, जापनीज रॉयल फैमिली, जो भी रॉयल फैमिली है, लंदन की, अमेरिका की रॉयल फैमिलीज, जो प्रॉपर्टी डीलें करेंगी ना, 10 करोड़, 50 करोड़, 10,000 करोड़ गोल्ड की, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बोन ज्वेलरी, अमेरिका की प्रॉपर्टी, स्विट्जरलैंड की प्रॉपर्टी, लंदन की प्रॉपर्टी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ये वो 24 अगस्त में इस धरती के लोग करेंगे। क्योंकि चंद्रमा से चौथे घर में बुध आ गया, बुध है कर्क में, बुध आ गया कर्क में, वक्री है 28 डिग्री का, आश्लेषा नक्षत्र में है। तो इस धरती के लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व करने हैं ना, शुक्र भी सिंह में, शुक्र कन्या में जाने वाला है, शुक्र कन्या में आ जाएगा, समझ लो आई थिंक 25 अगस्त को ना शुक्र कन्या में आ जाएगा। ये 25 अगस्त को जो है शुक्र केतु का संबंध बन गया कन्या में। तो केतु है नाराई, केतु है फोनर, केतु है डॉलर, पाउंड, स्विस फ्रैंक, येन। तो इस धरती के लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी, शेयर, बॉन्ड, ज्वेलरी मैटर सोल्व करने हैं ना, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, या वसीयत, बीमा, पेंशन, या ससुराल के मैटर, इंपोर्ट मैटर, एक्सपोर्ट मैटर, वो 24-25 अगस्त में ना
मैरिज विद NRI, कोलोब्रेशन विद NRI, विदेशी लोगों से जो भी विदेशी बैंक, विदेशी शेयर, विदेशी अमेरिका, लंदन, कनाडा, कैलिफोर्निया में जो भी कहानी बनी है, ऐसे मतलब 23, 24, 25 अगस्त में बन जाएगी। चंद्र बुध में है, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई बैंक की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर से जो पैसे लेने हैं, 25, 26 अगस्त में जो है उम्मीद करो बन जाएगा, पैसे का लेन देन हो जाएगा, चाहे लंदन में हो, चाहे स्विट्जरलैंड में हो, चाहे अमरीका में हो। चंद्र मंगल आ गए दो में, तो इस धरती की जो सबसे ज़्यादा डीलें होंगी, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, वो 26 अगस्त को होंगी। कोई इन्वेस्टर से पैसा आना है, स्विट्जरलैंड में कोई डील होनी है, लंदन में, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, मेलबर्न में, कहीं पे भी कोई होनी है, सिडनी फिडनी में, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, सिलिकॉन सिटी, जो भी होना है, वो 26 अगस्त को ना इस धरती की सबसे बड़ी डील होगी। 10 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, जो भी फैमिली की डीलें होनी है ना, बैंक बैलेंस, फेलोशिप, सर्टिफिकेट, ज्वेलरी, वसीयत, बीमा, पेंशन के मैटर जो सोल्व होंगे, वो 26 अगस्त को होंगे। शुक्र केतु नीच है, शुक्र नीच है तो प्रॉपर्टी मैटर का जो है ना, वो कोई लंदन की प्रॉपर्टी बेच दी, कोई अमेरिका की प्रॉपर्टी बेच दी, कोई सैनी फार्म की प्रॉपर्टी बेच दी, कोई छतरपुर की प्रॉपर्टी बेच दी, असोला की प्रॉपर्टी बेच दी, क्योंकि सूर्य सिंह में 9 है, चंद्रमा वृष में 6 है, शनि बकरी है, गुरु भी अभी बकरी है, तुम्हारा बुध बकरी है, तो इसमें 26 अगस्त टेक्निकली बेटर देन बेस्ट। और मंगल जो है मिथुन में चला गया 27 अगस्त को, तो इसका मतलब है 27 अगस्त में ना ईमानदारी से ससुराल वाले पैसे दे देंगे, साला पैसा दे देगा, मामा पैसे दे देगा, चाचा पैसे दे देगा, ईमानदारी से, इंसानियत से, जिन्होंने भी पैसे का लेन देन करना है ना, कोई गुरुओं ने लेन देन करना है, मंदिर है, गुरुद्वारे है, गोल्डन टेम्पल है, बंगला साहब है, बंगला साहब के पैसे हैं, गोल्डन टेम्पल के पैसे हैं, इस्कॉन टेम्पल के पैसे हैं, जो भी धार्मिक लोगों के पैसे हैं, धर्मस्थानों के पैसे हैं, जो भी मतलब ईमानदारी का पैसा है, क्योंकि चंद्रगुरु इकट्ठा है 2 नंबर में, 27 अगस्त को इस धरती की सबसे ईमानदारी वाली डील होंगी, ऑनेस्ट डील, ऑनेस्टली पैसा लिया, ऑनेस्टली पैसा दिया, या समझ लो तुम्हारी लीज रिन्यू करानी है, 10, 20, 50, 100 साल के लिए लीज रिन्यू करानी है, कोई टी गार्डन की लीज रिन्यू करानी है, कोई किले की रिन्यू लीज करानी है, अंग्रेजों के टाइम की कई प्रॉपर्टियाँ हैं, मुगलों के टाइम की कई प्रॉपर्टियाँ, अकबर के टाइम की कई प्रॉपर्टियाँ हैं, जिनकी लीज ना ऐसी पड़ी हैं, प्रॉपर्टियाँ ऐसी पड़ी हैं, कई हवेलियाँ हैं, हवेलियों की लीज रिन्यू हो जाएगी, टी गार्डन की लीज रिन्यू हो जाएगी, अंग्रेजों के टाइम के कई ऐसे टी गार्डन हैं जो 50 साल हो गए, लीज नहीं रिन्यू हुई, किलों की लीज रिन्यू नहीं हुई, हवेलियों की रिलीज नहीं हुई, हिंदुस्तान में कई लाख और करोड़ की प्रॉपर्टियाँ ऐसी पड़ी हैं जिनकी लीज रिन्यू नहीं हुई, उनकी अगले 10, 20, 50, 100 साल की रिन्यू लीज़ ख़त्म हुए, अभी 10, 20, 50, 100 साल हो गए हैं, उन सभी लोगों की जो ना लीज़ रिन्यू हो जाएगी 27 अगस्त को, चाहे वो किले हों, चाहे वो टी गार्डन हो, चाहे वो हवेलियाँ हों, चाहे वो रेवल फैमिली की प्रॉपर्टी हैं जिनके लीज लूज के चक्कर हैं अंग्रेज़ों के टाइम के या मुगलों के टाइम के, 27 अगस्त में भी जो उनकी रिन्यूज़ हो जाएंगी रॉयल फैमिलीज़ की, ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, अमेरिकन रॉयल फैमिली है, जापनीज़ रॉयल फैमिली है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली की जो प्रॉपर्टियाँ रह गई थी इंडिया में, या जो भी हैं इधर उधर के लोग, तो जो भी वो प्रॉपर्टियाँ उनकी रिन्यूज़ हो जाएगी 28 अगस्त को। और मंगल उच्च का देखेगा मकर राशि को, तो अगले 45 दिन जो है बिजनेस टॉप और टॉप देगा, बिजनेस वाइज जो है लोगों की शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी और लीज रिन्यू हो जाएंगी। 29 अगस्त में भी लीज रिन्यू हो जाएंगी रॉयल फैमिली की, A to Z जितनी भी वो रखी है ना, लीज तो ख़त्म होगी 50 साल पहले, 100 साल पहले, प्रॉपर्टियाँ अभी पड़ी हुई हैं, लोगों ने ऐसी रह रहे हैं, तो लीज रिन्यू हो जाएंगी सभी रॉयल फैमिलीज की। 30 अगस्त में भी लीज रिन्यू हो जाएंगी, जो भी रॉयल फैमिली हैं, किले हैं, ये है।